रूस ने निभाया वादा, तीसरी S-400 पहुंची भारत। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है स्क्वाड्रन 400। 28 फरवरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच रूस ने भारत से अपनी मित्रता की एक और मिसाल पेश कर अपना वादा पूरा किया है। रूस ने स्क्वाड्रन 400 की तीसरी यूनिट भारत पहुंचा दिया है। इससे पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाली मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों को मार गिराया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच भारत को S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन भेजने का अपना वादा पूरा कर दिया है। यह स्क्वाड्रन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। वर्ष 2018 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2023 के अंत तक भारत को 5 S-400 स्क्वाड्रन देने के लिए $5.43 बिलियन का अनुबंध किया था। इसके तहत अब तक 3 S-400 भारत को दे चुका है। इससे पहले दिसंबर 2021 में पहली S-400 भारत को मिली थी। इसे पठानकोट में पाकिस्तान सीमा के पास तैनात किया गया है। इसके बाद दूसरी S-400 अप्रैल 2022 में भारत आई थी। इसे उत्तर पूर्व में चीन सीमा के पास सिलीगुड़ी में तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि रूस से मिली तीसरी S-400 यूनिट पंजाब या राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के आसपास तैनात किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं। एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस तरह से एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होती हैं। भारत के पास ऐसे 3 रेजिमेंट होने से देश की राजधानी दिल्ली और सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। इससे 400 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदा जा सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।